सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लाख दावे करती है और नित नई योजनाओं पर करोड़ों रुपए भी खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आता। इन सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है, आइए हम लेकर चलते हैं आपको माट क्षेत्र के गांव इरोली गुजर के इस सरकारी स्कूल में। जरा गौर से देखिए इस स्कूल की हालत को। इस विद्यालय में 105 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, यानी कि इस विद्यालय में 105 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन विद्यालय की जरा दशा तो देखिए, विद्यालय की जरा भवन तो देखिए। इस विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष समेत कुल 5 कक्ष हैं, जिनमें से एक कक्ष बारिश के चलते धराशायी हो गया। अन्य कक्षों की हालत क्या है, जरा हम आपको गौर से दिखाते हैं। जरा चलते हैं इस कक्षा के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि इस कक्षा में बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन नहीं जनाब, इस कक्ष में बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि इस कक्ष में रहती हैं भैंस और अन्य पशु। ये कक्ष कक्षा ना होकर बन गया है पशुओं का तबेला। जरा गौर से देखें इस कक्ष के फर्श को। फर्श पर पड़े गोबर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस कक्ष की हालत क्या है और इस कक्ष का प्रयोग क्या है। अब आपको ले चलते हैं इस विद्यालय के परिसर के अंदर। जरा गौर फरमाएं, बच्चे बजाय क्लास में पढ़ने के इधर उधर घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ नजारा आ रहा है पशुओं को चराने का। जहां गांव वासी अपने पशुओं को चराने के लिए इस परिसर में उन्हें लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय परिसर में पशुओं के बांधने के साथ साथ गांव वासी अपनी ट्रैक्टर टोलियां भी खड़ी कर देते हैं। यानी विद्यालय न होकर बन गया है भैंसों का तबेला और गाँव वासियों की सुविधा का केंद्र। इस विद्यालय परिसर में एकमात्र सरकारी हेडपंप है, जो पिछले काफी समय से सूखा पड़ा है, लिहाजा बच्चों को पीने के पानी के लिए बच्चों को अपने घर तक की दौड़ लगानी पड़ती है। अब जरा स्कूल के दूसरे दृश्य को देखिए। ये कक्षा धराशायी हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि बारिश के दौरान बच्चे अगर इस कक्षा में पढ़ रहे होते तो धराशायी होने के बाद क्या आलम होता, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। हालांकि अब बच्चों को दूसरी कक्षा में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन खतरे की स्थिति बराबर बनी हुई है, क्योंकि बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। अगर वो खेलते खेलते इस जर्जर इमारत की ओर आ गए तो क्या आलम होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं स्कूल के शिक्षक से। ये जनाब बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन ये खुद शिक्षित हैं, इस पर भी सवालिया निशान लगता है, क्योंकि जब हमारी टीम ने इनसे बात की तो आप इनकी पूरी बात सुनेंगे तो शायद आपको भी हंसी आ जाएगी। कितने अध्यापकों की तैनाती है सर इसमें? दो अध्यापकों की तैनाती है। दोनों आए हुए हैं? दोनों आए हुए। ये विद्यालय की ये गंदगी है इतनी, क्या कारण है इसका? इसका कारण गांव का पानी विद्यालय में आता है जी, और इसके लिए हमने मिट्टी भी डलवा चुके हैं, वो मिट्टी गांव वालों के द्वारा खोद दी जाती है। रख रखाव के लिए कितना पैसा आता है इस विद्यालय का? रख रखाव के लिए पैसा आता है? रख रखाव के लिए 5,000 रुपए आते हैं। 5,000 रुपए आते हैं? हाँ जी जी। आपने वो पैसे कभी लगाए इस विद्यालय में? हाँ जी लगाए हैं जी। और ये इतनी गंदगी में ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये गांव वालों की समस्या देन है ये गंदगी की। अगर ये चाहें मेरे साथ में मेरा सहयोग करें तो मैं इसको गंदगी को साफ भी करा सकता हूँ जी, करा सकता हूँ, लेकिन करने का कोई मन नहीं है आपका? नहीं करेंगे तो नहीं, मिट्टी मैंने डलवाई है, देखिए वो साइल जो ट्रैक्टर वगैरह यहाँ ठेली वगैरह, ये हमें ऐसा लग रहा है कि स्कूल कम तवेला ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे पशु इतने चर रहे हैं अंदर। सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही हर समय माहौल इसी तरीका का बना रहता है। आपने कभी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत की? उच्च अधिकारी अपने खंड शिक्षा अधिकारी मार्ट के लिए लेटर बना के कुछ गांव वालों के महान पुरुषों के साइन करा के भी दे चुका हूँ। आपको एक बात हम जानकारी के लिए आपसे एक जानकारी लेना चाह रहे हैं। जैसे कभी सुना होगा योगी जी भी कहते हैं और अधिकारीगण भी कहते हैं कि विद्यालय में गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, आप इस बात को मानते हो? हाँ जी बिल्कुल मानता हूँ। और आप अब भी खा रहे हो ऐसा क्यों? नहीं, अब फिलहाल मैं गुटखा तंबाकू कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। अब थूक दिया है? नहीं अभी नहीं, काफी देर हो गई मुझे। हाँ खाते हैं लेकिन? हाँ खाता हूँ, विद्यालय में मेरे दांत में दर्द मारता है। अच्छा, दांत में दर्द बनने के लिए विद्यालय परिसर में भी आप खाते हैं जी? और ये सब गंदगी है और यहाँ पे खाने के लिए बच्चे अपने हाथों से इस विद्यालय में जो अक्षय पात्र का सामान आता है उसे अपने हाथों से बर्तनों को साफ करते हैं, ऐसा क्यों अभी हमें बच्चों ने बताया? हाँ, वो बर्तन जो अक्षय पात्र से जो खाना दे के जाते हैं, बड़े बड़े दो भगोना हैं उनमें हम खाना रखवाते हैं,
उनको बच्चे ही साफ करते हैं। बच्चों से आप कराते हो? मैं क्यों कराता हूँ, बच्चे ही साफ करते हैं। अच्छा अच्छा, आपके कहने के साथ ही तो करते हैं? मेरे कहने के या और भी अन्य टीचर हैं उनके कहने से ही करेंगे, अपने आप भी कुछ बच्चे ऐसे हैं समझदार के वो अपने आप भी साफ करने लग जाते हैं। जी, और क्या क्या कमियां हैं आपके विद्यालय में, आपको लग रहा है कि ये कमी है? ये शायद ये कक्षा का कक्ष है वो बारिश के माध्यम से गिर चुका है, इसकी भी अगर इसमें बच्चे होते तो क्या होता? अगर बच्चे होते तो बड़ा हादसा गुजरता। बड़ा हादसा गुजरता? उस दिन मैं छुट्टी पे था, बारिश हो रही थी, वो बारिश के उपरांत ये विद्यालय की अतिरिक्त कक्षा के वो। तो आपने इससे पहले ये जीर्ण छीर्ण स्थिति है इस विद्यालय की, आपने कभी शासन को प्रशासन को भेजा है कि इस विद्यालय? हाँ, अपने खंड शिक्षा अधिकारी तक ये सूचना है, पर लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं मान रहा है कोई, वहाँ से कोई कार्रवाई, कोई देख रेख, कभी भी कोई चेक करने के लिए यहाँ तक आया नहीं। जी, आपका कोई दायित्व तो नहीं बनता है? मेरा दायित्व तो इतना ही है, जो पैसा आता है वो लगाया जाता है। हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कहीं पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। विद्यालय की जी स्थिति है इतनी गंदगी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिस स्थिति में, ये अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जैसे आपने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, ये चिन्हों के नाम भी नहीं जानते हैं, न ये घटाना जोड़ना ए वी सी जैसे कुछ नहीं जान रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, आप पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते हैं, मैं अभी इस कमरे में 2 दिन से आगे बैठा हूँ। इससे पहले कोई नहीं आता था? इससे पहले हमारे जो नौवत सिंह शिक्षा मित्र थे वो पढ़ा रहे थे बच्चों से, आप पूछ सकते हैं। पर लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कोई इसमें पढ़ाया किसी बच्चे को। वो ये इधर पढ़ता है, मैं पहली क्लास को देख रहा था। माना जाए तो आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो ना कि बच्चों को? नहीं, फॉर्मेलिटी कोई पूरी नहीं, बच्चों से आप पूछ सकते हैं कितने दिन हम कितना पढ़ाते हैं। आप कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं कक्षा 5 वाली क्लास को पढ़ा रहा था, वैसे सभी को देखा पड़ता हूँ। पढ़ा रहे थे, अब कक्षा 5 में जाके देखा जाए तो कुछ बच्चों में सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। चलिए आपके साथ ही चलते हैं। स्कूल की जर्जर दशा के बारे में एक युवा ग्रामीण ने जानकारी दी। आपका? मेरा नाम खेम सिंह है। कहाँ के रहने वाले खेम सिंह? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, रोली गुजर का। ये विद्यालय किस गांव के नाम से? ये प्राथमिक विद्यालय रोली गुजर। जी, कौन सी क्लास तक है? ये 5 तक है। जी, और ये क्या स्थिति है, क्या हालत है, क्या कारण है इसका? सर, ये 8-10 दिन पहले बारिश हुई थी और यहाँ पर कोई मतलब केयर नहीं है, केयर करने वाला भी नहीं है, और ये बाउंड्री टूटी हुई पड़ी है काफ़ी समय से, कोई देख रेख वाला है नहीं है। पढ़ाई लिखाई मास्टर आते हैं 2-4 दिन, फिर बच्चे अपने आप ही पढ़ लिख कर चले जाते हैं। यानी मास्टर यहाँ कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते हैं, और फिर आते हैं तो बैठे रहते हैं बच्चे। अभी देखो ये बाउंड्री टूटी हुई है, ये कमरा गिरा हुआ है, गिरा हुआ है बारिश में, अगर दिन में गिरता शायद इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं। आप अंदर जाके देखो, इसमें गाय भैंस ही पढ़ती हैं, वैसे बच्चे नहीं पढ़ते। मतलब तबेला बना रखा है ये, माना ये स्कूल नहीं तबेला है। हाँ। और यहाँ पे ये संबंधित यहाँ पे प्रधान है, ग्राम प्रधान है, संबंधित अधिकारी से कभी आपने शिकायत की है? की है, लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई सुनाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे कितने टीचर तैनात हैं, क्या नाम है? यहाँ पे 3 टीचर हैं फिलहाल, में 2 हैं, एक आया नहीं है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 3 टीचर हैं। अब आए मौके पे हैं कोई? 2 टीचर हैं जी, एक अभी आया नहीं है। मतलब 3 में से 1 टीचर आया है बस? 2 टीचर आए हैं, एक मैडम आई हुई है और एक टीचर है जी। पर लेकिन ये साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे अपने आप ही हैं, और मतलब देखो दीवार।